अफगानिस्तान और भारत के बीच वर्ल्ड कप 2023 का नवा मुकाबला आज कितने बजे से खेला जाएगा सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली इस मैच में तबाही का आलम मचाते हुए नजर आएंगे या नहीं, वीडियो के नीचे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सभी टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं। तो वही दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला भारत का इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। तो वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। वही दोस्तों, भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग कुछ खास नजर नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ अच्छी पारी खेलते हुए नजर आए, तो भाई दोस्तों अन्य खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 10 विकेट के साथ 199 पर ऑल आउट हो गई। भाई इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। वही भारतीय टीम भी लड़खड़ाते हुए नजर आई और भारतीय टीम के 3 विकेट आसानी से गिर गए। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी को संभालते हुए 86 रन की और 96 रन की तूफानी पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को शानदार जीत दिला दी। लेकिन भाई जीत के बावजूद रोहित शर्मा ने बदल दी पूरी भारतीय खतरनाक प्लेइंग 11 टीम। तो आखिर किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के लिए दिया है मौका, चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। भाई दोस्तों बात करते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, जिसमें पहला नाम आता है रोहित शर्मा, जिसके साथ दिखाई देंगे शुभमन गिल। भाई दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हैं और भाई दोस्तों इस मुकाबले ईशान किशन को बाहर कर दिया गया है। भाई पिछले मुकाबले में ईशान किशन 0 रन पर भी आउट हो गए थे। भाई दोस्तों बात करते हैं मिडिल ओवर बैट्समैन की, जिसमें पहला नाम आता है विराट कोहली का, जिसने पिछले मुकाबले 85 रन की तूफानी पारी खेल दी और मैच को जिताकर रख दिया। भाई दोस्तों दूसरा नाम आता है केएल राहुल का, जिसने 96 रन की तूफानी पारी खेली और मैच का नक्शा बदलकर रख दिया था। तो भाई दोस्तों तीसरा नाम आता है श्रेयस अय्यर, जो किसी बल्लेबाज से कम नहीं है, जो अपने दम पर मैच जिताने का हौसला रखते हैं। भाई दोस्तों बात करते हैं ऑलराउंडर की, जिसमें पहला नाम आता है हार्दिक पांड्या का, जिसका रुतबा किसी बल्लेबाज से कम नहीं है, जिसे कौन नहीं जानता। तो भाई दोस्तों दूसरा नाम आता है रविंद्र जडेजा का, जो किसी बल्लेबाज से कम नहीं है और ना ही किसी ऑलराउंडर से कम है। भाई दोस्तों तीसरा नाम आता है रविचंद्र अश्विन का, जो किसी बल्लेबाज से कम नहीं है और ना ही किसी ऑलराउंडर से कम है, वो कभी भी किसी बल्लेबाज की गिल्ली उड़ाने का हौसला रखते हैं। तो भाई दोस्तों बात करते हैं बॉलरों की, जिसमें पहला नाम आता है कुलदीप यादव का, जिसे हैट्रिक का बाप कहा जाता है। तो भाई दोस्तों दूसरा नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, 6 बॉले एवरकर डालकर 6 विकेट लेने का हौसला रखते हैं। भाई दोस्तों आखिरी नाम आता है मोहम्मद सिराज का। तो भाई दोस्तों भारत का वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के बीच 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।